पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के वनों में वन्य जीवों की संख्या भी बढ़ी है। जो जंगल अनवरत काटे जा रहे थे उनमें उनको नियंत्रित किया गया है। अवैध खनन को प्रतिबंधित किया गया है और हर स्तर पर न केवल वन संपदा को बल्कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता कदम उठाए गए हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में नई साइट बन रही हैं, वेटलैंड घोषित हो रहे हैं और भी अन्य तमाम कार्यक्रम इस अवसर पर उपलब्ध कराए गए हैं और इनका बेहतर उपयोग वन विभाग करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड को इस सहायता के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास करूंगा कि वन विभाग उन सभी विभागों को चिन्हित करें जहां से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, फिर उनकी सीएसआर की निधि को पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य संपदा की और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या उनके संरक्षण के लिए कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए एक निधि क्रिएट करके फिर उसका उपयोग हम वन्य जीवों की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमें आगे बढ़ानी चाहिए।